असलम स्टूडेंट्स, आज की जो वर्किंग है वो हमारी ये है कि हमने जो कनेक्शन हमें रिपीट करना पड़ रहा है तकरीबन हर फॉर्म के अंदर ही हम लोग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग को जो बार बार हमें रिपीट करना पड़ रहा है हर फॉर्म के अंदर ही हम तकरीबन कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो हमें रिपीट करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। प्लस है कि अगर हमें सपोज के फोल्डर चेंज करना पड़ जाए या आपको कनेक्शन का पाथ चेंज करना पड़ जाए तो फिर ये कि मतलब है कि अगर आपके 10 फॉर्म्स हैं तो 10 फॉर्म्स के अंदर हमें वो वर्किंग करनी पड़ेगी। तो उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर किया है मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने मॉडिफाई किया है कि वो कनेक्शन जो है वो हमें बार बार ना लिखना पड़े, लेकिन यहाँ जैसे ये कनेक्शन स्ट्रिंग है ये हमें बार बार लिखनी पड़ रही है। जैसे मैं कमेंट कर रहा हूँ टेम्प्रेरी, और यहाँ जहाँ हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया था, ग्लोबल वेरिएबल किस लिए बनाया था कि एम्प्लॉय आईडी हमें हर फॉर्म के अंदर जहाँ जो भी एक्टिविटी हो रही है एक्टिविटी मॉनिटर करने के लिए हमने बनाया था, ग्लोबल वेरिएबल बनाए थे ताकि एम्प्लॉय आईडी हर जगह पे आ जाए, ताकि एम्प्लॉय आईडी हर जगह आ सके उसके लिए, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट हर जो फॉर्म है कस्टमर एंटर हो रहा है तब एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, और इनवाइसेस कहीं पे रजिस्टर हो रही है तब एम्प्लॉय आईडी, ऑलमोस्ट हर फॉर्म के अंदर हर टेबल के अंदर हमने एम्प्लॉय आईडी रखा है ताकि हर एक्टिविटी जो है वो मॉनिटर हो सके हु इज डूइंग, कि कौन सा एम्प्लॉय है जो ये सारी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है उसके लिए हमने ये चीज़ रखी थी। तो ये ट्रांजेक्शन जो है ये हम लोग इनको अलाट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने वैल्यूज असाइन की हुई, जैसे वो लॉगिन कर रहा है तो उसको वैल्यूज असाइन हो रही है, वो आगे वैल्यूज जो है क्योंकि ये पब्लिक वेरिएबल्स में है तो वो कहीं भी एक्सेस हो सकती है। माई ग्लोबल्स डॉट ई आई डी लिखेंगे तो एम्प्लॉय आई डी आ जाएगा, डॉट ई नेम लिखेंगे तो एम्प्लॉय नेम आ जाएगा। इसी तरह हमने एक और क्लास बनानी है जो कि क्या होगी क्लास, ओके, तो इसका नाम हम रखेंगे माई कनेक्शन के नाम से, माई कनेक्शन ठीक हो गया। उसके बाद इस क्लास के अंदर आ जाते हैं, इस क्लास के अंदर क्या करेंगे हम लोग पब्लिक एसक्यूएल के नाम, एसक्यूएल नहीं अवेलेबल, क्यों नहीं अवेलेबल क्योंकि हमें यहाँ पे इसको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा एंड यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ये हमें चीज़ें ऐड करनी। तो अब ये अवेलेबल होगा, ठीक है, लाइक एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू, इनिशियली हम नल कर लेते हैं इसे, फिर इसी तरह हम क्या करेंगे पब्लिक वॉइड बना देंगे यानी मेथड बनाएंगे जो कि क्या होगा गेट कनेक्ट के नाम से होगा। इसको हम जो है अब इसके अंदर हम कनेक्शन को ले लेंगे, कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, इसको क्या करेंगे इसके अंदर हम कनेक्शन ले लेंगे, कनेक्शन कहाँ से लेंगे यहाँ से हम इसका डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और कनेक्शन स्ट्रिंग पे अगर डबल क्लिक किया और इसके बीच में उसको लिख दिया, डबल कोट्स के बीच में लिखना है, डबल कोट्स के बीच लिख दिया, और ये जो पाथ है इसके ऊपर भी डबल कोट होता है, ये ख़त्म कर लेना दोनों तरफ से, ये ख़त्म किया। फिर उसके बाद ये जो स्लैशेज हैं इनको ये जो है कहता है डबल लगाओ, तो अगर ऐट दी रेट लगाएंगे तो फिर ये नहीं कहेगा। यहाँ आके हम करते हैं कॉन डॉट ओपन कर लेते हैं, कनेक्शन ओपन हो गया। अब हमने फॉर्म्स के अंदर क्या करना है, फॉर्म्स के अंदर ये करना है कि फॉर्म्स के अंदर ये कनेक्शन लगा हुआ था पहले, अभी हम क्या करेंगे हम अपने वाले कनेक्शन को लाएंगे, बाई कनेक्शन कॉन ऐसा रख देता हूँ मैं इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, बाई कनेक्शन, और ये चीज़ हमने पब्लिक एरिया में ये चीज़ डिफाइन करनी है, यानी ये वाली चीज़ जो है आप पब्लिक में यानी पब्लिक पार्सल में डिफाइन करेंगे ये वाली, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो कॉन बनाया है इसको हमने जहाँ भी प्राइवेट वाइड है यानी जो भी बटन के क्लिक इवेंट है वो किसी भी बटन के क्लिक इवेंट के अंदर आपने क्या करना है वो उसको लाना है यानी गेट कनेक्ट को, ठीक है, उसको ला के फिर हमने क्या करना है क्योंकि हर क्यूरी जो आपके इंसर्ट की है सेलेक्ट की है डिलीट की है उसके अंदर यहाँ पे एंड पे ही आता है, तो इसको हमने क्या करना है माई कनेक्शन डॉट, ठीक है, जो हमारा माई कनेक्शन डॉट कॉन बनाया हमने, तो अभी ये आ नहीं रहा यहाँ पे, वो नहीं आ रहा, खैर मैं इसको लिखता हूँ। ये हम लोग जब इसको करेंगे रीबिल्ड करेंगे तो हमारी जो ये वाली वेरिएबल लग्जरी है ये कॉल हो जाएगी, लाइक ये कॉन है। अब देखते हैं जी इसको क्या इशू है, कोई इशू दे रहा है ये माई कनेक्शन डॉट कॉन, इस पर कह रहा है भाई ये आइडेंटिफाइड नहीं है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है पब्लिक
पब्लिक स्टैटिक, यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक करना पड़ेगा जी, ये मिस करके। तो अभी देखते हैं इसे रीबिल्ड करके। तो इट्स वर्किंग, यानी कि ठीक है। तो अभी ये वर्किंग रिलेशन है भाई, ये एरर ख़त्म हो गया है। तो एरर क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि ये हमें जब डिफाइन करना था तो यहाँ पर हमने पब्लिक स्टैटिक, जब कनेक्शन डिफाइन करना था तो स्टैटिक फंक्शन डिफाइन करना था वेरिएबल कान का, तो वो अभी हो चुका है। तो अभी ये विल वर्क कि हमने क्या करना है, अब सारे फॉर्म्स के अंदर जहाँ भी हैं उनके अंदर हमने ये वाली चीज़ रखनी है, और जहाँ भी प्राइवेट सब हो रहे हैं, कॉल हो रहे हैं, वहाँ पर क्या करना है उसके अंदर कॉल स्टार्ट गेट कनेक्शन, यानी ये जो आपने लाइब्रेरी ये जो कनेक्शन माई कनेक्शन को आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसे आपने यहाँ पे इनिशलाइज कराना है। तो उसके बाद यहाँ जहाँ भी क्यूरी आ रही है उस क्यूरी के अंदर आपने इसको ये लिखना है, यानी सारे फॉर्म्स के अंदर। वंस ये हो जाएगा तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम यहाँ डेटाबेस का कनेक्शन को फोल्डर चेंज हुआ है, क्योंकि फोल्डर का पाथ वगैरह तो ये है ना, क्योंकि ये पाथ वगैरह चेंज हुआ है, क्योंकि आपका कनेक्शन चेंज हुआ है किसी और डेटाबेस के साथ कनेक्शन हो गया है, तो देन भी हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसी के साथ हो, लोकल डेटाबेस के साथ हो, एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल हुआ हो सकता है, उसके ऊपर भी हमारी वर्किंग हो सकती है। यहाँ एक फाइल है, ये भी मैं शेयर करूँगा, ये मेरे पास 2016 से है, ठीक है, और मैंने संभाली हुई है, और मुझे ये बहुत हेल्प करती है सेलेक्ट योर डेटाबेस, यानी यहाँ बेशुमार डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी के डिफरेंट जो है स्क्रिप्ट्स हैं, लाइक ये यूजिंग ओडीबीसी के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो कैसे करनी है, और इसी तरह ओडीबीसी स्टैंडर्ड कनेक्शन है, फिर इसी तरह यहाँ आ जाए ट्रस्टेड कनेक्शन है तो देन क्या करना है, और इस तरह यानी ये इसमें ऑलमोस्ट जितने भी डेटाबेसेस दिए हुए हैं, MySQL SQL सर्वर है, एक्सप्रेस है, एक्सेस है, ओरेकल है, IBM DB2 है, MySQL है, SE बेस है, इंटरबेस है, इन्फॉर्मिक्स है, ऑलमोस्ट तकरीबन जितने भी डेटाबेसेस हैं उनके साथ कनेक्टिविटी का इसके अंदर सोल्यूशन मौजूद है। लाइक अगर हम इसी डेटाबेस को चाह रहे हों कि भाई जी हमने इसे लाइव करना है, तो इसका डाटा जो है वो सिंक हो के या डायरेक्टली लाइव सर्वर के ऊपर जाए, तो MySQL को यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम तो उसका DSN या UID और पासवर्ड देके हम उसको जो है उसके साथ कॉन्फ़िगर कर देंगे। यहाँ IP के साथ कनेक्शन भी मौजूद है कि हम जो सर्वर की हमारी पोर्ट है और IP एड्रेस है उसके ज़रिए हम, हमारे पास अगर ऑनलाइन सर्वर मौजूद है तो उसके ऊपर हम डाटा को सेव करना चाह रहे हैं, तो ये उसके साथ भी कनेक्टिविटी के इसके अंदर सारे फीचर्स मौजूद है। तो इस फाइल के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, ये भी मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में से ये फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रेफरेंस के इन फ्यूचर, कि अगर आपको कहीं भी इसके इस डेटाबेस को या कोई और भी डेटाबेस आप बना रहे हैं उसको आप कनेक्ट करना चाह रहे हो किसी और डेटाबेस के साथ और कोई सॉफ्टवेयर के साथ, ओरेकल के साथ, एसक्यूएल सर्वर, एक्सेस वगैरह, व्हाटएवर जो भी डेटाबेसेस हैं उनके साथ आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो आपको हेल्प मिल जाएगी इसके अंदर। जो लेटेस्ट आए हैं वो भी आपको इसी की, इनकी वेबसाइट भी दी हुई है, हो सकता है उसके ऊपर आपको वो भी चीज़ मिल जाए, तो आप उसके ऊपर से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बड़ी हेल्पफुल फाइल है। तो उम्मीद है आपको ये जो प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो है ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये नहीं डिपेंड करता कि ये बस रिटेल शॉप के लिए है, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट मीन्स कि वो प्रोडक्ट वो हो सकती है आपकी मेडिकल स्टोर की प्रोडक्ट हो सकती है, वो आपकी कंज्यूमेबल आइटम हो सकती है, वो आपकी मतलब जिस तरह के भी आप आइटम्स इसमें डालेंगे उस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर को ट्रिगर कर सकेंगे, सॉफ्टवेयर को चला सकेंगे। तो ये यानी सिर्फ ये नहीं है कि ये रिटेल शॉप सिर्फ एक चीज़ के लिए, जो भी आप जिस तरह का भी आपका एनवायरनमेंट है, आपका बिजनेस है, आपका कपड़े का बिजनेस है, आपका जो है मेडिकल मेडिकल के रिलेटेड है, यानी मेडिसिन वगैरह सेल करते हैं, या आपका कोई स्टोर है जो डील करता है यूटिलिटी स्टोर टाइप है, तो इस तरह की चीज़ें जहाँ भी सेल्स परचेज हो रही है इसको आप मॉडिफाई करके अपने अपने रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकेंगे। तो इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने स्टडी करनी है, तो आप लोग साथ कनेक्टेड रहोगे तो इंशाल्लाह ये बाकी चीज़ें भी इसके अंदर हम लोग स्टडी कर सकेंगे। तो बाकी इसके अंदर नेक्स्ट जो हमने ये पढ़ना है, मैं ये वन बाई वन मिल के मैं इसको लाइव करके भी दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट जो है हम लोग MySQL में करेंगे, क्योंकि MySQL में आपको डेटाबेस भी क्रिएट करना है, तो डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, या इसको एक्सपोर्ट करके हम डेटाबेस को MySQL में लेके जाएंगे तो तब वहाँ पे चला सकेंगे, ठीक है। तो ताकि लाइव जो है अगर स्टोर्स हैं, कोई डिफरेंट स्टोर्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर्स हैं, तो वो भी अगर अपनी एक्टिविटी एक जगह पे लाना चाह रहे हैं तो वो इसके ज़रिए हो सकेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हमने रिपोर्ट्स वगैरह भी पढ़नी है, और
कुछ कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं लाइक ये तो हमने कस्टम किया है, इसके अलावा कुछ और सिस्टम्स भी हैं, सॉफ्टवेयर्स के मेथड्स भी हैं जो कि यहाँ बनाने के, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप हैं कि पूरा पूरा टेबल ड्रैप करो तो आपका फॉर्म जो है बन जाता है। इस तरह की कुछ चीज़ें भी पढ़ेंगी, बड़ी मज़े की चीज़ है ये। और फिर हम इसके अंदर ASP.NET वगैरह भी स्टडी करना है, यानी हमने वेब बेस्ड सॉल्यूशंस भी बनाने हैं इसी के अंदर, इसी विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो अभी तो जस्ट ये आपका डेस्कटॉप सॉल्यूशन है, तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वेब बेस्ड सॉल्यूशंस भी इसके अंदर बनाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड, उसके लिए आपको कनेक्ट रहना ज़रूरी है। तो होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही हैं तो आपने मेरे चैनल से जुड़े रहना है, और जो नहीं जुड़े हुए, जिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि उनको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी मिल सकें। उसके लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग कनेक्टेड रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। दिस इज़ कुछ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था इसको डिस्कस करना इसके अंदर। तो ये अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, तो लेसन नंबर 15 को स्टडी करें। 15 के अंदर रिपोर्ट वगैरह बनाने का मेथड मौजूद है कि अगर आप इसके अंदर इसको मज़ीद आगे लेके जाना चाह रहे हैं, इसके रिपोर्ट्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो आप बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।